नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। श्रम अधीक्षक एतवारी महतो ने अपने कार्यालय कक्ष में बकाया मजदूरी से संबंधित प्राप्त शिकायत वाद की सुनवाई करते हुए आज पुनः 12 मजदूरों के शेष 1,05,415 रुपए के बकाया मजदूरी राशि का भुगतान कराया। इस संबंध में श्रम अधीक्षक ने बताया कि सिसई प्रखंड स्थित जोरगो टोली ग्राम निवासी सोनू बारला द्वारा बकाया मजदूरी राशि के भुगतान हेतु शिकायत वाद किया गया था। उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता सोनू बारला तथा अन्य 11 सिक्योरिटी गार्ड सिसई प्रखंड के भुरसो पंचायत स्थित लावागई चेंगरी ग्राम निवासी प्रमोद नाग, सिसई प्रखंड के सोगड़ा पंचायत स्थित ग्राम समर जोरगो टोली निवासी मोहन बारला, लातेहार के लेगपा पंचायत स्थित चूरिया ग्राम निवासी रामफल उरांव, सदर प्रखंड के रैनानगर निवासी रवि मेंज, सदर प्रखंड के पतिया पंचायत स्थित कोई जारा गढ़ टोली निवासी मुन्ना गोप एवं गणेश गोप, सिसई प्रखंड को सोगड़ा पंचायत स्थित सोगड़ा कुधादामर निवासी कृष्णा गोप एवं जयदीप गोप, सदर प्रखंड के पतिया पंचायत स्थित नकटी टोली निवासी लक्ष्मण गोप, महुआ टाड़ के जरहा टोली ग्राम निवासी संजय केरकेटा एवं सिसई प्रखंड के सोगड़ा पंचायत स्थित सोगड़ा कुधादामर निवासी सोमरा खड़िया विजय इलेक्ट्रिकल लिमिटेड पालकोट रोड गुमला तथा इंडिगो सिक्योरिटी फोर्स सेक्टर 4 HEC कॉलोनी उलातू टोला साई मंदिर रांची के नियोजक के यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का कार्य करते थे, किंतु इन सभी 12 मजदूरों का कुल 2,68,108 रुपए की मजदूरी राशि को नियोजक द्वारा लंबित रखा गया था, जिसमें से विगत 12 जनवरी को मजदूरों के 1,62,693 रुपए के बकाए मजदूरी राशि का भुगतान कराया गया था। आज पुनः शेष बकाया मजदूरी से संबंधित मामले के निष्पादन हेतु श्रम अधीक्षक ने दोनों पक्षों में आपसी समझौता करवाया। समझौते के तहत विजय इलेक्ट्रिकल लिमिटेड पालकोट रोड गुमला के प्रतिनिधि चिंटू गोडा द्वारा शिकायतकर्ता सोनू बारला सहित अन्य सभी 11 मजदूरों के बकाया मजदूरी राशि का भुगतान करने के लिए सहमति जताते हुए 1,05,415 रुपए का नगद तथा नेफ्ट के माध्यम से भुगतान कराया गया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।